हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फियर एकेडमी। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। लेटरिंग करने के लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। इसमें फर्स्ट आते हैं आपके सेट स्क्वायर, इसके बाद डायगनल स्केल, उसके बाद मैकेनिकल पेंसिल या पेन पेंसिल और एक टी स्क्वायर। पहले A1 शीट को अलाइन कर लेंगे। अलाइन करते करते आप लोग को लेटरिंग का भी मतलब समझा देता हूँ। लेटरिंग वर्ड सीखने का पहले लेटर क्या होता है वो समझना पड़ता है। लेटर ABCD या नंबर, ये सबको हम लोग लेटर्स कहते हैं। और वही ABCD उसको आर्टिस्टिक लैंग्वेज में लिखते हैं तभी उसको हम लोग लेटरिंग कहते हैं। आप लेफ्ट साइड और राइट साइड एक एक वर्टिकल लाइन टाने थे, उसी के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्ट किया था वर्टिकल लाइंस को। उसी इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऊपर आपका मैपेड या कंपास रख के नीचे का तरफ एक आर्क करिए, जिससे आपको आपका टी स्क्वायर का अलाइन है या नहीं है या अलाइन कर सकेंगे इजीली पेज के संग। आपका टी स्क्वायर अलाइन हो गया तो उसका ऊपर आपका सेट स्क्वायर में एक 90 डिग्री एंगल का स्केल होगा। वो स्केल रख के एक वर्टिकल लाइन टान लीजिए और ये वर्टिकल लाइन आपका इंस्ट्रक्टर या आपको टीचर बोल देंगे वो मेजरमेंट क्या होगा, एक लेंथ क्या होगा। और मैं इस ड्राइंग में मैं 50 mm का वर्टिकल लाइन टान रहा हूँ। वर्टिकल लाइन टानने के बाद वर्टिकल लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ एक डायगनल लाइन टान लेंगे। उसके बाद मैपेड या कंपास में कोई भी लेंथ लेके लाइन को 5 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। लाइन को 5 इक्वल पॉइंट से डिवाइड करने के बाद सेट स्क्वायर के मदद से इजीली हम लोग वर्टिकल लाइन को भी 5 इक्वल पॉइंट पे डिवाइड कर लेंगे। आपका वर्टिकल लाइन 5 पॉइंट से डिवाइड होने के बाद आप वो 5 पॉइंट से राइट साइड की तरफ एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन टान लीजिए। आपका हॉरिजेंटल लाइन टानने के बाद टी स्क्वायर के ऊपर एक 45 डिग्री का एंगल वाला स्केल रख के आपको वर्टिकल लाइन टाने थे ना लेफ्ट साइड में, वो वर्टिकल लाइन का नीचे वाला पॉइंट से बस एक डायगनल लाइन टान के जाइए। ऐसा आपको एक माउंटेन जैसा दिखते जाएगा ये वाला।
आपका डायगोनल लाइन टानने के बाद अभी आप देख पा रहे होंगे ये डायगोनल लाइन को एक हॉरिजेंटल चार लाइन इसको कट किया है। वही पॉइंट लेके आपको वर्टिकल लाइन टान के आना है, जिससे आपको एक छोटा 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 बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स मिलते जाएगा। देखिए ये छोटा छोटा बॉक्स देख के तो बोर लगता होगा, तो आप ना ही देखना चाहते हैं कुछ, तो नीचे में देखिए आपका एक थंब आइकन रहेगा। बस कब आप ये थंब आइकन दबाएंगे ना तो ये कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। जाके एक बार ट्राई करके देख लीजिए, और आप ये कर देने से आपको देखिए एक देखिएगा अंदर से मज़ा आ जाएगा आपको। आपको और एक मैजिक दिखाऊंगा। अभी ऊपर में मैं कैसे लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना के एक छोटा छोटा बॉक्स बना लिया, ऐसे ही मैं फिर से नीचे भी ऐसे ही बना लूंगा। बनाने के बाद अभी मैं इसका ऊपर एग्जाम फेयर एकेडमी ये लिखने वाला हूँ। पहला वर्ड एग्जाम में चार लेटर है, चार लेटर में पहला तीन लेटर ई एक्स ए, ये मैं 4:5 में लिख रहा हूँ, और एम है ना लास्ट में, उसको मैं 5:5 रेशियो में लिख रहा हूँ। और आप लोग को, आप लोग के इंस्ट्रक्टर या टीचर आप लोग को बोल देंगे ये कौन सा रेशियो में आप रख सकते हैं, 6:6, 6:7, 6:5, ये सब आपको आपका इंस्ट्रक्टर बोल देंगे। एग्जाम लिखना हो गया, अभी फियर लिखते हैं। फियर में एफ ई ए आर, इसमें चार लेटर है, और मैं चारों लेटर को 4:5 में लिखने वाला हूँ। और इसमें एक आर है जो थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम लोग कर्व बनाएंगे, आर का राइट साइड में थोड़ा कर्व बनाएंगे। और ये हम लोग कर्व को कोई कर्व स्केल लेके हम लोग कर्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फ्री हैंड में भी कर सकते हो या कर्व लेके भी बना सकते हो। फियर लिखना हम लोग का हो गया है। फियर लिखने के बाद अभी हम लोग एकेडमी लिखेंगे। एकेडमी में 7 लेटर्स है, 7 लेटर्स में हम लोग का 6 लेटर्स 4:5 में है, और एक ही एक है जो एम है वो 5:5 है, क्योंकि हम लोग एग्जाम में भी एम आया था तब भी हम लोग 5:5 लिए थे, तो अभी भी एकेडमी में एम हम लोग 5:5 में लिखेंगे।
चलिए अभी अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है। 26 लेटर्स में हम लोग टेक्निकल ड्राइंग में कुछ लेटर स्पेशल लेटर है। इसमें अभी स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये सब लेटर 4:5 में ही होगा। और इसके बाद आता है आई। आई होगा 1:5 में। उसके बाद जे, जे होगा 5:5 में। उसके बाद के एल, दोनों 4:5 में। और एम, एम हम लोग आगे में लिखे थे, ये भी 5:5 में होगा। इसके बाद एन ओ पी, ये सब 4:5 में होगा। क्यू भी 4:5 में होगा, बट क्यू के नीचे एक लाइन आता है, आपको पता ही होगा नीचे वाला लाइन। वो लाइन आपको 75 डिग्री एंगल में रहना चाहिए, राइट की तरफ 75 डिग्री एंगल में आपको काटना पड़ेगा क्यू में। क्यू लिखने के बाद आर एस टी यू वी भी 4:5 में लिखेंगे। इसके बाद डब्ल्यू हम लोग 5:5 में लिखेंगे। उसके बाद एक्स वाई जेड, ये तीनों 4:5 में ही लिखेंगे। हम लोग का ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और हम लोग का चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।